हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी द ह्यूमन सेंटीपीड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टॉम सिक्स ने, जिन्होंने इस मूवी की कहानी भी लिखी है। इस मूवी को IMDb में 4.4 की रेटिंग मिली है, जो मेरे हिसाब से सही है क्योंकि इस मूवी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक रिटायर्ड सर्जन जिसका नाम जोसेफ होता है, वो कार में बैठा होता है और तीन डॉग की फ़ोटो देख रहा होता है। शायद उस सर्जन ने उन कुत्तों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए होते हैं क्योंकि इस फोटो में सारे कुत्ते एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। तभी उसके पीछे एक बड़ी सी ट्रक आती है। ट्रक ड्राइवर उस ट्रक को सर्जन की गाड़ी के पीछे खड़ा करके झाड़ी में चला जाता है टॉयलेट करने। तभी सर्जन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और बड़ी बंदूक लेकर उसके पीछे जा रहा होता है। वो अपनी बंदूक से उस ट्रक ड्राइवर के पीठ पर शूट कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक होटल की तरफ, जिसमें दो लड़कियां जिसका नाम लिंसी और जेन्यू दोनों फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। ये दोनों ही लड़कियाँ अमेरिका से जर्मन आई होती हैं अपनी फ्रेंड की शादी के लिए। वो दोनों जर्मनी पहली बार आई होती हैं, उनको यहाँ का रास्ता नहीं पता होता है। वो लोग गूगल मैप से सर्च करके अपनी डेस्टिनेशन में निकलते हैं और आप सब जानते हैं कि गूगल मैप कहीं से भी रास्ता निकाल देता है, चाहे गाड़ी को नदी के ऊपर से क्यों ना जानी पड़े। वो दोनों रास्ते में एक जंगल से जा रहे होते हैं, तभी अचानक उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। उन दोनों के पास स्टेफनी भी नहीं होती है जिससे वो गाड़ी के पहिए को चेंज कर सके। वो दोनों कार से बाहर निकलती हैं और एक इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस एरिया में नेटवर्क नहीं आता। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम दोनों पीछे से आ रही किसी गाड़ी से हेल्प मांग लेंगे। तभी उसके पीछे एक गाड़ी आती है जिसमें एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है। वो दोनों उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो बुढ़ा आदमी उन दोनों से बदतमीजी से बात कर रहा होता है। वो लड़की अपनी कार का शीशा अप कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो बुड्ढा वहाँ से चला जाता है। तब वो दोनों लड़कियाँ डिसाइड करती है कि हम लोग आसपास कोई जगह ढूंढते हैं जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। तभी लिंसे को जंगल में एक जगह लाइट जलती दिखाई देती है। वो दोनों लड़कियाँ उस लाइट की तरफ निकल जाती हैं। वो दोनों एक घर के बाहर पहुँचती हैं। ये घर उसी सर्जन का होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। वो दोनों घर की बेल बजाते हैं, तभी वहाँ सर्जन आ जाता है। वो दोनों लड़कियाँ उस सर्जन से हेल्प मांगती हैं, तो सर्जन उन दोनों लड़कियों को घर के अंदर बुला रहा होता है और गेट को लॉक कर देता है। तभी लिंसी उस सर्जन से कहती है कि अगर आपके पास मोबाइल हो तो प्लीज़ एक इमरजेंसी कॉल करनी है। वो सर्जन दोनों लड़कियों को सोफे पर बैठा देता है और उनके लिए पानी लेने चला जाता है। वो सर्जन उन दोनों के ग्लास में बेहोशी की दवा मिला देता है और उन दोनों को पानी के ग्लास पकड़ा देता है। जेनी तो पानी पी लेती है, लेकिन लिंसी के हाथ से ग्लास गिर जाता है, जिस पर सर्जन लिंसी पे बहुत गुस्सा करता है और पोछा लेने चला जाता है। वो किचन में जाकर एक इंजेक्शन तैयार करता है। फिर वो पोछा जिसमें उसने क्लोरोफॉर्म मिलाया होता है वो लिंसी के मुँह पर डाल देता है। जेनी के ऊपर तो बेहोशी का असर हो रहा होता है, लेकिन लिंसी पर क्लोरोफॉर्म का पूरा असर नहीं होता है। तो सर्जन उस इंजेक्शन उसके गले में लगा देता है। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं कि सर्जन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी लिंसी भी जग जाती है। वो देखते हैं कि उन दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। तभी वहाँ सर्जन आता है, उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। वो दोनों लड़कियों को देखती है, वहाँ उन दोनों के अलावा एक और तीसरा व्यक्ति भी है। सर्जन उस तीसरे व्यक्ति को इंजेक्शन लगा रहा होता है क्योंकि तीसरे व्यक्ति की स्किन टिश्यू पर उन दोनों लड़कियों की स्किन टिश्यू मैच नहीं हो रही होती है। हम लोग देखते हैं कि वो तीसरा व्यक्ति और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाने वाला ट्रक ड्राइवर ही होता है। वो सर्जन उस ट्रक ड्राइवर को जहर का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वो सर्जन उस ट्रक ड्राइवर को की लाश को अपने ही बैकयार्ड में गाड़ देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्जन एक दूसरे व्यक्ति को उठा लेता है
वो एक जैपनीज टूरिस्ट होता है। मूवी में हम उस जैपनीज टूरिस्ट की सर्जन उठाते हुए नहीं दिखाया जाता है कि उन्होंने कैसे उस जैपनीज टूरिस्ट को उठाया था, और सर्जन उस जैपनीज टूरिस्ट को भी उन दोनों लड़कियों के साथ बांध देता है। फिर सर्जन उन तीनों को अपने प्रोजेक्ट दिखाता है कि वो कैसे उन तीनों को आपस में जोड़ने वाला है। तभी सर्जन उन सभी को एक एक करके बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगता है। वो जैपनीज टूरिस्ट जिसका नाम कैत्सुरा होता है, उसको और जैनी दोनों को इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लिंगसी किसी तरह अपने हाथ को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके हाथ में इंजेक्शन लगा ही रहता है जो भागते समय उसके हाथ की स्किन टोन कर देता है। लिंगसी वहां से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोर्स लॉक होते हैं। लिंगसी भागते भागते एक स्विमिंग पूल में गिर जाती है। सर्जन भी वहां आ जाता है और उस पर बंदूक की गोली चलाने लगता है। तभी अचानक से वहां लाइट चली जाती है, जिसका फायदा लिंगसी उठाकर पूल के नीचे छिप जाती है। तभी सर्जन वहां से लाइट सही करने चला जाता है। ये देखकर लिंगसी पूल से बाहर निकलती है और अपने फ्रेंड जैनी को लेकर भागने लगती है, लेकिन जैनी तो बेहोश होती है, तो लिंगसी उसका हाथ खोलकर उसको वहां से घसीटते हुए ले जाती है। वो चाहती तो वहां से अकेले जा सकती थी, लेकिन जैनी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जिसे वो छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, और एक बेस्ट फ्रेंड एक हमारे बेस्ट फ्रेंड है जो वीडियो को देखकर भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसी वीडियो को मिस ना कर पाएं। लिंगसी जैनी को लेकर वहां से भाग ही रही होती है कि सर्जन अपनी डर्ट गन से शूट कर देता है, जिससे लिंगसी वहीं बेहोश हो जाती है, और सर्जन उन दोनों को वहां से घसीट कर अपने लैब में ले जाता है। सर्जन लैब में अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करता है। सर्जन उन तीनों को घुटने के जॉइंट निकाल देता है, जिससे वो तीनों खड़े ना हो सके, और तीनों को आपस में एक दूसरे के एनस से सर्जरी के जरिए जोड़ देता है। जब मॉर्निंग में उन तीनों की होश आता है तो उन तीनों को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। सर्जन उन तीनों को घुटने पर चलने की प्रैक्टिस करवाता है, और वो सर्जन खाना भी ओनली क्रूटॉन्स को खिलाता है ताकि वो खाना खाए और उसका खाना लिंगसी और लिंगसी से जैनिक को ट्रांसफ़र हो। तो सर्जन उन तीनों को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं चलते हैं, तो सर्जन उन तीनों को मारने लगता है। फिर वो तीनों किसी तरह घुटनों के बल चलने लगते हैं। उसी समय क्रूटॉन्स को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन वो वॉशरूम नहीं जा पाता है और अपना वेस्ट लिंगसी के मुंह पर ही कर देता है, लेकिन लिंगसी उस वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, जिससे लिंगसी और जैनी काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। ये सीन वाकई काफ़ी गंदा सीन था। यक। तभी सर्जन के घर की डोरबेल बजती है। सर्जन बाहर देखने जाता है तो उसे दो पुलिस ऑफिसर बाहर मिलते हैं। वो पुलिस ऑफिसर के घर लिंगसी और जैनी को ढूंढने आते हैं, क्योंकि उनकी कार पुलिस ऑफिसर को उसके घर के बाहर ही मिलती है। वो सर्जन उन दोनों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। सर्जन उन दोनों के लिए पानी लाने जाता है, और आप सब जानते हैं कि पानी में वो क्या मिलाने वाला है। इन दोनों में से एक पुलिस ऑफिसर उस पानी को पी लेता है, लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर वो पानी गिरा देता है। सेम स्टोरी जैसे लिंगसी और जैनी के साथ होता है। सर्जन उस पर गुस्साता है और पोछा लेने चला जाता है। सर्जन किचन में जाकर एक बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करता है, लेकिन अचानक से वो इंजेक्शन पुलिस के सामने गिर जाता है। पुलिस वाला उससे पूछता है कि ये क्या है। तब सर्जन बात को बदलते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सर्च वारंट है, और पुलिस वाला सर्च वारंट लेने चला जाता है। तभी पीछे से क्रूटॉन्स आता है और वो सर्जन के पैर पर एक नाइफ से हमला कर देता है। वो तीनों किसी तरह घुटने के बल चलते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। उनके पीछे सर्जन भी घुटनों के बल चलते हुए उसका पीछा करता है, और सर्जन उन तीनों को पकड़ लेता है। इस पर सर्जन को देख कर क्रूटॉन्स वहाँ पड़े हुए एक कांच के टुकड़े से अपने गले को काट लेता है। इस हालत में अगर उसकी जगह कोई भी होता तो वो मौत को ही पसंद करता। तभी वो दोनों पुलिस सर्च वारंट लेकर उन दोनों के पास आ जाते हैं।
तभी उन दोनों पुलिस ऑफिसर को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। उन दोनों में से एक पुलिस ऑफिसर पर बेहोशी का असर हो रहा होता है क्योंकि वो सर्जन के हाथ से पानी पी लेता है। पहला पुलिस ऑफिसर उस दूसरे पुलिस ऑफिसर को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब पुलिस ऑफिसर स्विमिंग पूल के पास आता है तो देखता है कि सर्जन वहाँ पर घायल बैठा हुआ है। उसी समय सर्जन उस पुलिस ऑफिसर पर गोली चला देता है और वो पुलिस ऑफिसर भी उस पर गोली चला देता है, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन वहाँ दोनों लड़कियाँ जिंदा होती है और दोनों अपनी किस्मत पर रोने लगती हैं। तभी कैमरा ऊपर की ओर शिफ्ट होता है और ब्लैक स्क्रीन के साथ मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी का क्लाइमैक्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ये मूवी इंटरनेट पे इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस मूवी का लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे अपनी वॉइस को थोड़ा और इम्प्रूव करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।